सो हेलो गाइस, स्वागत करते हैं फिर से आपका एक नई वीडियो में। गाइस आज हम लारियागो सिरप के बारे में बात करने वाले हैं कि लारियागो सिरप का इस्तेमाल क्या आप नॉर्मल बुखार में कर सकते हैं या फिर इसको मलेरिया बुखार में दिया जाता है, वो आज हम इस वीडियो में जानेंगे। सो गाइस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना, तभी आपको इस दवा की संपूर्ण जानकारी मिल पाएगी। तो गाइस बात करेंगे सबसे पहले हम इसके बेनिफिट के बारे में कि भाई लारियागो सिरप का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, कैसे करना होता है। सो गाइस बात कर लेते हैं अब लारियागो सिरप के बारे में। तो दोस्तों ये लारियागो सिरप एक एंटी मलेरिया दवा है। ये मलेरिया को ठीक करने के लिए इस दवा का उपयोग में लाया जाता है और इसका मॉलिक्यूल होता है क्लोरोक्विन फॉस्फेट, इसका मॉलिक्यूल होता है। और ये टैबलेट फॉर्म, इंजेक्शन फॉर्म और सिरप फॉर्म तीनों में आता है, तीनों में ये मार्केट में अवेलेबल हो जाता है आपको। तो यहाँ पर बहुत से लोगों की कन्फ्यूज़न रहती है कि इस दवा का इस्तेमाल क्या हम नॉर्मल बुखार में ले सकते हैं। तो दोस्तों बिल्कुल नहीं, आप नॉर्मल बुखार में, नॉर्मल फीवर में आप इसका बिल्कुल नहीं इस्तेमाल कर सकते, क्योंकि दोस्तों ये एक एंटी फीवर मेडिसिन नहीं है और ये एक एंटी मलेरिया दवा है। अगर आपको मलेरिया हो रहा है या फिर आपको बहुत तेज़ ठंड लग के बुखार आ रहा है तो उन कंडीशन में इस दवा को दिया जाता है। तो दोस्तों ये सिर्फ उन लोगों के लिए बना है, जैसे कि आप इसको बच्चों को भी इस्तेमाल में ला सकते हैं, अगर आप बड़े हैं आप तो भी आप इसके डोजर बढ़ा के ले सकते हैं जो गोली नहीं खाना चाहते हैं। तो इसको, इस दवा को दिया जाता है जिन लोगों को मलेरिया होता है। तो दोस्तों ये मलेरिया को ठीक करने के लिए इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है, ना कि अगर आपको माइनर फीवर आ रहा है, हल्का बुखार आ रहा है तो उसको ठीक करने के लिए इसको नहीं चलाया जाता। तो मलेरिया के सिम्टम यही होते हैं गाइस, आपको ठंड लग के बुखार आएगा, सिर में दर्द होगा, उल्टी आने का दिल करेगा या फिर बिल्कुल भूख नहीं लगेगी, इस प्रकार के सिम्टम दिखते हैं मलेरिया के। और अगर आपको मलेरिया होता है तो आप ब्लड टेस्ट कराएँ और जैसे आपके डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं आपको उसी कंडीशन में इन दवाइयों का इस्तेमाल करें। भाई अपनी मर्जी से लारियागो सिरप या लारियागो इंजेक्शन बिल्कुल ना लें। दूसरी बात, इसको बॉडी वेट के हिसाब से पिलाया जाता है, बॉडी वेट के हिसाब से इंजेक्शन भी दिया जाता है। जैसा आपका बॉडी वेट होता है उसी अकॉर्डिंग ये टैबलेट का इस्तेमाल भी किया जाता है। तो भाई इसको एंटी मलेरिया के लिए ही चलाएं, ना कि आप नॉर्मल फीवर के लिए चलाएं इस दवा को। तो आप देखेंगे इसका रिजल्ट आपको 1 से 2 दिन में बहुत ही अच्छा मिलेगा। अगर आपको मलेरिया की समस्या है तो बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाएगी। तो इसके डोजेज ये होने वाले हैं, अगर आपकी एज गाइज 10 साल है तो आप एक एक ढक्कन सुबह शाम ले सकते हैं, क्योंकि इसमें 50 mg होता है। सुबह शाम अगर एक ढक्कन लेंगे आप तो उसमें 100 mg आ जाएगा। तो सुबह शाम लेंगे तो आप देखेंगे आपके मलेरिया से आपको राहत मिलने वाली है। तो ये था इसका रिव्यू। आई होप गाइज वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। धन्यवाद।